अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिनफा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक हो। मैं लाई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल सीरीज़। आज की ये वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाले आलू। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। दो अदद आलू जिसको मैंने लंबी शेप में गोल गोल काट लिया है। आलुओं को लगाने के लिए मिक्सर रेडी करती हूँ। सबसे पहले एक बाउल में आधी प्याली बेसन डालूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, नमक हसबे जायका, कॉर्नफ्लोर 1.5 खाने का चम्मच, मीठा सोडा 1/4 चाय का चम्मच। इसको डालने से क्रिस्पी बनेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हल्का हल्का मिक्स करते हैं। ये हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। इसको हम इतना गाढ़ा करेंगे, ये देखिए ये चीज़, ताकि ये आलूओं को अच्छी तरह लग सके। इन तमाम कटे हुए आलूओं को बीच में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब आलू एक दफ़ा नहीं डालने, जितने इसमें इजी आ जाए उतने डाल लें। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम आलूओं को गर्म ऑयल के बीच में डालेंगे, एक एक करके डालेंगे ताकि ये साथ ना जुड़ें। देखिए माशाल्लाह से एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड उल्टा के फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोनों साइडें रेडी हो चुकी हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से ये हमारे बेसन वाले आलू रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत मज़ेदार हैं और इनकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। अफ्तारी के लिए ये बहुत ही लाइट रेसिपी है। कम टाइम और कम बजट में आपके लिए आइडियल रेसिपी तैयार है। अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।